महोबा से। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी ने आगामी 20 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जनपद महोबा की दोनों विधानसभा में प्रभावी मतदाता संवाद जनसभाओं को संबोधित कर प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की है। इस दौरान चरखारी नगर के ऐतिहासिक जोड़ी दरवाजे पर मासूम बच्ची ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में घोड़े पर सवार हो अपने साथियों के संग पुष्प वर्षा कर डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत कर सभी का मन मोह लिया। महोबा जिले के चरखारी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी बृजभूषण राजपूत और महोबा में राकेश गोस्वामी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड को पहले लोग बिना बिजली पानी सड़क बाला बुंदेलखंड कहकर पुकारते थे, मगर बुंदेलखंड लगातार खुशहाली के मार्ग पर दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए की अर्जुन सहायक परियोजना से चित्रकूट मंडल के 161 गांवों की हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने के लिए पानी दिया जा रहा है, जिससे किसान अपनी फसल का सही तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। आने वाले समय में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से बुंदेलखंड में लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों को या तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है या फिर वह हमेशा के लिए परलोक चले गए हैं। पूर्व की सरकारों में एक खंभा बिजली का देकर गांव में ढिंढोरा पीटा जाता था, मगर हमारी सरकार ने गांव, नगर और शहर में भरपूर बिजली दी है। साथ ही जय घर घर जाकर बिजली कनेक्शन बांट रहे हैं। आने वाले 10 मार्च को बीजेपी के पक्ष में बड़ी मात्रा में सीटें आएगी। प्रदेश के मतदाता जातिवाद का भेदभाव छोड़कर बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं। अब 39% युवाओं को रोजगार की तलाश में पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बुंदेलखंड में लगने वाले उद्योगों में यही युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। हम जागते रहे, बीजेपी सरकार पूरे 5 साल मंत्री महोबा की तरफ से उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। बोले भारत माता की, माननीय दिनेश शर्मा जी जिंदाबाद, माननीय दिनेश शर्मा जी जिंदाबाद। समय का अभाव है, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो हमारे मार्गदर्शक है, यशस्वी डिप्टी सीएम साहब, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। माननीय डॉक्टर साहब का हम सभी लोगों को सानिध्य प्राप्त रहता है। और सभा हो रही है, जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लोग जाति और क्षेत्रीयता को छोड़कर बिल्कुल निश्चल भाव से जिस प्रकार से सरकार के विकास कार्य हैं उनके पक्ष में जिस प्रकार से लोग उभर कर आए हैं, विपक्षी दलों के जो परंपरागत मतदाता थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। 44,000 करोड़ रुपया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो बजट आया है वित्त मंत्री जी का, उसमें केन मेतवा के लिए जो जिस प्रकार से हर घर नल और हर जगह पर सिंचाई की व्यवस्था का काम है, निश्चित रूप में यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर और उसके अलावा पर्यटन के तमाम, बगल में ही आपका पहाड़ को डेवलप करके स्टीमर चलाने का और तमाम योजनाएं चल रही हैं, ये सारी चीजें जो होंगी बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार पैदा करेंगी। अब 39% नौजवानों को बुंदेलखंड छोड़कर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनको रोजगार यही मिलेगा। औद्योगिक नीति में भी हमने यही प्रावधान किया है कि बुंदेलखंड में जो भी उद्योग लगेगा उसको विशेष छूट देंगे।